वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों को PVR स्टडी की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि ये क्लास आप रक्षाबंधन के एक दिन पहले या एक दिन बाद या फिर रक्षाबंधन के जस्ट उसी दिन ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो आप बिल्कुल आज से टेंशन छोड़ दीजिए, आज से आपको मैथ आने लगेगा। बस आपको करना क्या है, इस क्लास को पूरा देखना है, बीच में स्किप मत करना। अगर सभी पार्ट आप देख लेंगे तो आप बिल्कुल 100% मैथ में मास्टर बन जाएंगे। चलिए आपको कुछ प्रमाण दिखाते हैं। मित्रों, ये छोटा सा सवाल देख के भागना मत, अभी बड़े भी चलेंगे, क्योंकि नींव पहले मजबूत करना पड़ता है। हम मैथ की शुरुआत यहाँ से करते हैं, एकदम जीरो से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता बिल्कुल टेंशन ना लेना। एक तरह का जोड़ ये होता है जिसमें कोई भी हासिल नहीं आता है। दो में एक जोड़ा तो तीन हो गया, यानी कि 2 1 3 हो गया। 7 में 2 ऐड किया तो 9 हो गया, यानी कि 7 2 9 हो गया। और 3 में 2 जोड़ा तो 5 हो गया, मतलब कि 3 और 2 5 हो गया। ये बहुत आसान था। दूसरा स्टेप में क्या होता है, एडिशन में दो टाइप के ही होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। लाइफ में कहीं भी जोड़ो घटाओगे तो दो ही तरह का जोड़ मिलेगा, कहीं भी करना देख लेना, ऐसे ही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। इसमें 6 में 5 जोड़ते हैं तो 11 होता है, यानी कि 11। इसमें देखो इकाई दहाई दो अंक है। इसमें आपने 2 में 1 जोड़ा था तो 3 केवल अकेला था, इसमें 2 है, इनकी जोड़ी है। तो इन जोड़ी में से एक को यहाँ लिखते हैं और जो एक बचते हैं ना, मतलब उसकी अगला, वो उसके चुरकी पे लिख देते हैं। अब 8 में 3 जोड़ेंगे 11 होगा, यानी कि 8 3 होगा 11। संयोग बस यहाँ पर दोनों बराबर हो रहा है, तो जो ये चुरकी पर लिखा था इसको इसके नीचे ला के सेट करके इसके ऐड कर देते हैं, 12 हो गया ना। इसमें का जो दाहिना साइड का नंबर है उसको यहाँ पे लिख देते हैं चुपचाप, और जो बायां साइड का है इसकी चुरकी पे लाके लगा देते हैं। क्लियर करते जाना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, समझते जाना। अब क्या करोगे, 9 में 1 ऐड किया 10 हुआ, यानी कि 9 में 1 जोड़ा तो 10 हुआ, और 10 में ये जो चुरकी वाला है ना, इसमें जब जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। ये देखो बात समझ में आई ना, कुछ गड़बड़ होगा तो बता देना। 6 5 11 के 1 हासिल 1, 8 3 11 12 हासिल 1, 9 1 10 1 11। देखिए गलतियाँ हर किसी से होती हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है बार बार गिरता है, बार बार उठता है, और एक बार वो आपके जैसे बन जाता है, मतलब ज़िंदगी में दौड़ना चलना और फिर ज़िंदगी से लड़ना भी सीख जाता है, तो मैथ कौन सी बड़ी बात है। दूसरा देखिए, ये गुड़ा में कितने टाइप का होता है, आपको आता है तो बिल्कुल हंसना, मजाक मत बनाना, क्योंकि जो मजाक आपको दूसरों का बनाता है ना, उसका मजाक दुनिया बनाती है। इसको गुड़ा करोगे, लेकिन उसके पहले हम इसको करेंगे। 2 2 9 ये हो जाएगा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। देखो कितना आसानी से आ गया, लेकिन इसमें कोई हासिल या कैरी नहीं आया, क्योंकि ये बेचारे सब अकेले अकेले हैं, तो दूसरे का कोई टेंशन नहीं। इसको कैसे करोगे, 5 7 जा 35 का 5 लिखते हैं, क्योंकि 35 में 2 डिजिट होता है, तो इसको यहां लिख देते हैं। बाकी जो ये बचा हुआ है ना, इसको इसकी चुरकी पे लिख देते हैं। अब 5 3 जा 15, यानी कि 5 3 15 15 में 3 जोड़ोगे 18 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, 18 का 8 लिखोगे हासिल आएगा 1 और 5 9 45 1 46। एक बार फिर से देख लो, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो 5 7 35 का 5 हासिल आया 3, और 5 3 जा 15 15 3 18 का 8 करी आया 1 5 9 जा 45 1 46। बात समझ में आई, आगे देखना। बिल्कुल मैथ हम यहीं से शुरू करते हैं, पूरा देखना, एक एक सवाल का अलग अलग मतलब है यहाँ पर। देखिए ये तीन तरह की भाग यहाँ लिखी गई है। भाग को इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं, डिवीजन का एक मतलब मंडल भी होता है यहाँ के, लेकिन यहाँ पर मंडल से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर डिवीजन का मतलब भाग। तीनों हैं, तीन तरह के हैं, देखोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो कुछ नहीं आएगा। इसमें 2 का टेबल पढ़ेंगे सीधा सीधा तो 2 3 जा 6 हो जाता है, ये सब ट्रिक होकर 0 आ जाता है। हिंदी में तो जानते होगे 2 3 6 है ना। इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर कि ये है कि 3 के पहाड़ा में कहीं भी 11 नहीं आता है, कितना भी पढ़ते जाओगे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कभी आएगा नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, 3 3 का 9, ये 3 1 3 3 2 6 9, 3 4 12 3 5 15। इसमें थोड़ा सा माइंड लगाते हैं कि जो 11 है किसके बीच में होगा, 2 नंबर के बीच में होगा, और वो 2 नंबर हमारे इसके बीच में आते हैं ना, मतलब 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 के बीच में आता है। तो एक ज़्यादा ना होने पाए, एक कम भले हो जाए। जैसे कि अगर आप दुकान पर जाते हो, आपके पास अगर 1 रुपया कम है तो दुकानदार आपको कतई सामान नहीं देगा, और अगर आपके पास जो है उसके पास चेंज नहीं है, 1 रुपया बचता है, तो आपको वापस नहीं देगा, कोई सामान दे देगा या बोलेगा भाई चेंज नहीं है। लेकिन दुकानदार कभी भी 1 रुपया कम होगा तो सामान आपको नहीं देगा। आगे देखिए कितनी बार जाएगा ये 3 3 का 9, कमेंट करके बताना सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं। इसको सबट्रैक करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। ये बात समझ में आई, आगे चलें। इसमें देखना कुछ अंतर था ना, इसमें भी देखना और अंतर है। इसमें 2 अंजा पहले ये 2 हो जाता है, सबट्रैक होने पे 0 आ जाता है, बहुत
ऐसी बात बता रहा हूँ जो यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा, आपकी क्लास में अभी आपके टीचर जी नहीं बताएंगे इसको। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन हमारे पास लाखों लोगों का बहुत सारा दर्द प्रतिदिन आता है, तो हम समझते हैं कि आपको क्या पीड़ा है। आगे देखिए, उसके बाद ये कट गया तो यहाँ से फोर उतार लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अब टू का टेबल फिर इसमें ले जाते हैं जो कि टू बार जाता है, तो ये टू टू जब फोर हो गया और ये जीरो आ गया। जल्दी से बताओ, तीनों में अंतर था ना? अभी यहाँ इतना ही नहीं ख़त्म होता है, अभी बहुत कुछ है, आगे भी देखते जाना। आगे देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया वैसा ही, अगर आपको समझ में ना आया तो आज से पढ़ाना बंद और चैनल ख़त्म, पक्का आएगा गारंटी के साथ, क्योंकि इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी दिमाग होगा, सीखने की चाहत होगी, तो ज़रूर आएगा। इन तीनों को देखना, इसमें क्या अंतर है। ये कैंसर वाली भाग है, कैंसर, कैंसर जानते हैं ना, एक ऐसी बीमारी जिसमें काफ़ी लगभग ख़त्म नहीं होती है। तो तीन का भाग इसमें ले जाओगे आप तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 जिसे बोलते हैं, सबट्रैक करोगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पर समझते जाना, अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं इसी पर, क्योंकि अलग तरह का भाग है, हम पॉइंट में ले चलेंगे इन सबको, क्योंकि पीछे तो देख लिया, वहाँ पे तो हमने उसको पढ़ लिया था सिंपल वाला। अब यहाँ पर 3 × 6 = 18 हो गया, आप यहाँ पे एक बार पॉइंट बढ़ाओगे, यहाँ पर 0 उतारोगे, फिर ये 6 बार जाएगा, 18 हो गया, फिर 0 इसको सबट्रैक करोगे तो 2 आएगा। एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि डेसिमल मात्र एक बार बढ़ाया जाता है, बार बार आप 0 उतार सकते हो, बार बार पॉइंट नहीं बढ़ाते हैं, याद रखना। फिर से 0 उतारोगे, फिर से आपका ये 6 बार जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर सबट्रैक करोगे 2 आएगा, और फिर 6 बार जाएगा, ये ऐसे ऐसे आसमान में चला जाएगा, बट कभी ख़त्म नहीं होगा। फाइनल में आपको मिलेगा 6.666666, ऐसे बोलते जाओ चाहे, जब तक ख़त्म नहीं होगा। तो ये होती है एक अलग तरह सी भाग, इसको लिखते हैं कैसे, ये पूरा जो लंबा सा इसकी डोरी है ना, ये इसको एक में समेटते हुए क्या करते हैं, 6 पॉइंट जो डिजिट बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। बार मतलब जानते हैं, एक बंधन में बंध जाता है ये, जैसे जानते हैं ना, बंधन का मतलब जानते हैं, जो ज़्यादा इधर उधर करता है उसको शादी के बंधन में बांध दिया जाता है, मतलब अब आप समझ गए होंगे बहुत कुछ। तो मित्रों, इसका कुल मिला करके फाइनल में जो आंसर हो गया इतना हो गया, बात समझ में आया ना। अब इसको देखिए, इसमें क्या अंतर है, जो मैंने शुरू किया है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, कमेंट करके बताना और लाइक ज़रूर करना। इसको अगर भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 हो जाएगा ना। इसको जब यहाँ पर सबट्रैक करोगे तो 1 आएगा, अब ऊपर पॉइंट बढ़ा के यहाँ 0 उतारोगे, अब 4 का टेबल फिर से पढ़ोगे तो 4 × 2 = हो जाएगा क्या, 8, यानी कि 4 × 2 = 8, सबट्रैक करोगे तो 2 आएगा। समझते जाना, हिंदी इंग्लिश में सब बताएंगे। फिर 4 का पहाड़ा जब यहाँ 0 उतारोगे, ये 5 बार जाएगा, और आप यहाँ पाओगे कि 4 × 5 = 20, कट गया ना, कोई गड़बड़ होगा तो बता देना। दोनों में अंतर देखना, दशमलव में ये भी गया, कभी ख़त्म नहीं हुआ, दशमलव में ये भी गया, ख़त्म हो गया, अंतर देखना, हर एक सवाल में अंतर होगा, वो उसका भी ज़्यादा बड़ा बाप है, देखते जाना, देखते हैं गलत तो नहीं है। 4 × 2 = 8, एक आया, 0 उतारा, यानी कि दशमलव बढ़ा करके, फिर 4 × 2 = 8, 2 × 4 = 20, गलत होगा तो बता देना भाई, हमें बहुत ज़्यादा नहीं आता है। फिर इसमें क्या करोगे, इसमें देखिए, पहला नंबर तो सीधा सीधा भाग जाएगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा है वो छोटा है, तो आप सबसे पहले 0 बार ले जाओगे। कौन कहता है कि नहीं जाएगा, उसको सुना है कि नहीं, कौन कहता है यारों आसमां में छेद नहीं होगा, एक पत्थर तो दिल से उछालो, है ना। तो 0 बार जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, सबट्रैक करोगे 0 आएगा। अब आप क्या करोगे, फिर से चाहो तो 0 बार ले जाओ, लेकिन फिर ये बेवकूफ़ी वाला काम करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर डेसिमल बढ़ा करके यहाँ 0 उतार लेंगे। अब 6 का टेबल कितनी बार जाएगा, सभी लोग जल्दी से बताओ, आप पहाड़ा पढ़ते जाओ, 6 × 9 = 54, 6 × 8 = 48, है ना, 6 × 8 = 48, सबट्रैक करोगे 2 आएगा। और अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 उतार लो चुपचाप, और 6 × 3 = 18, देखो शुरू हो गई आफत की बारात, अब ये कभी कटने वाला नहीं है, कहीं गड़बड़ होगा तो बता देना, बिना किसी टेंशन के बता देना। पहले 0 बार गया, उसके बाद हमने 5 उतार लिया, उसके बाद क्या किया, ऊपर दशमलव बढ़ा के 0 उतारा, और 6 × 8 = 48, फिर 2 आया, अब एक बार भाग ले गया तो 3 बार गया, फिर दोबारा से यहाँ 0 उतारेंगे, फिर 3 बार जाएगा, अब ये 18 आया। अब आप यहाँ पर अगर गौर करो तो ये 3 कभी कटने वाला नहीं है, बार बार ऐसे 3 3 3 आता चला जाएगा, यानी कि फाइनल में इसका आंसर जो होगा 0.83 के ऊपर बार होगा। मतलब समझना, 8 के ऊपर बार नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि ये तो सीधा साधा था ना, 8 तो ख़त्म हो गया, उसकी कहानी ख़त्म हो गई, जो गड़बड़ कर रहा है वो 3 कर रहा है, क्योंकि 3 बार बार जा रहा है। तो इन तीनों भागों में अंतर समझा आपने,
कभी कभी आप लोगों ने ऐसा सवाल देखा होगा 0.4 के ऊपर बार लगा है तो बहुत बड़ी ठंडी लगती है, भाई ये आता कैसे है, इसका मतलब क्या है, बहुत डर लगता है, ये आता यहीं से है। बात समझ में आई ना, ये टॉपिक आपने समझ लिया होगा उम्मीद करते हैं। तो आगे चलिए, अभी हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, लेकिन क्लास को छोड़ के मत जाना, गारंटी हमारी होगी सिखाने की। मित्रों तो अभी आपको बहुत कुछ देखना है, ध्यान से देखना, जाना मत कहीं छोड़कर, अगर आपको सीखना है तो गारंटी हमारी है, बस पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इसको याद रखना। इसको कैसे करोगे, इसमें डेसिमल लगा है, आपको सिंपल में दिमाग को ठंडा कर लेना है थोड़ा सा, उसके बाद में सोचना है कि ये क्या लिखा है, पॉइंट लगा है ना, कोई यहाँ पर दफने वाला सांप तो है नहीं, कोबरा, करना क्या है, बिल्कुल डरना नहीं है। यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, इसको चुपचाप आपके पेज में जहाँ भी जगह है ऐसे नीचे ऊपर लिख लो, ये 0.3 और ये क्या है 0.1, संयोग बस यहाँ पर डेसिमल जो है डेसिमल के नीचे जस्ट खुद ही आ जा रहा है, अगर नहीं आता है किसी में तो उसको खुद से लाया जाता है। अब आपको 3 में एक जोड़ना है, 4 हो गया, और ये डेसिमल वहीं पर लिख देना है, 0 जहाँ पर था वहीं पर लिख देना, ये इसका आंसर हो गया। देखो कितना आसान था, लेकिन अभी ये आसान था वो उतना आसान नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, उसका रीज़न ये है कि इसको अगर आप ऐसे लिखोगे 0.03 और इसको आप लिखोगे 0. क्या हो जाएगा ये 1, लेकिन ये तो हमने लिख दिया, आपने देखा बराबर हो गया। आपने सुना होगा, यहाँ पर ज़रा देखना छोटा सा, अगर 3, 2, 5 में हमें जोड़ना है 1, 2, तो जोड़ने का नियम ये होता है कि 3, 2, 5 इसके नीचे लिखते हैं तो पीछे दाहिने साइड से लिखते आते हैं ना, तो यानी कि यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 ऐसे होना चाहिए, आपने पढ़ा है ना, ये चीज़ गलत है याद रखना। अगर 325 को आप ऐसे लिखोगे, इसमें जोड़ना है 12 को, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा आपको कतई नहीं करना है, ये तरीका सही है। तो ज़रा सोचिए, अगर यही तरीका हम यहाँ पर लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखना, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, जो कि सारा सत्यानाश हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल 0 के नीचे हो गया और ये इसके नीचे हो गया, सारा मामला उलझ जाएगा। तो आपको एक बात याद रखना है जो मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ, कि कितना भी डिजिट का अंक ऊपर नीचे क्यों ना हो, अगल बगल ज़्यादा कम, लेकिन आपको दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लगाना है, बाकी जो जिधर जाए आए जाने आने दीजिए, लेकिन आपको एक बात याद रखना है, प्रण करके दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, बस कुछ नहीं करना है, वही करना है कि 0. जो है 0.3 लिखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल जबरदस्ती लाके लिखना है, उसके बाद डेसिमल के इधर क्या था 0 था, उधर क्या था 1 था, इसको लिख दो। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 वैसे उतर जाएगा, चाहो तो यहाँ पर 0 लिख लो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, नहीं तो ऐसे रहने दो। 1 में 0 जोड़ोगे तो ये 1 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा यानी कि डेसिमल, और ये हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना, ज़रा ध्यान देना। ये अब आप कहोगे ये 1.3 कैसे हो गया, 13 पैसे कैसे हो गया, 3 पैसा में 1 पैसा जोड़ा तो 13 पैसा कैसे हो गया, गलत है ना, गलत नहीं है। ज़रा ध्यान दो, ये 1 पैसा नहीं, ये 10 पैसा है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ज़रा बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, मज़ा आएगा, जाना मत छोड़ के क्लास को, मैं यही बार बार बोल रहा हूँ, छोड़ के ना जाना तुम वादे हजार करके, सुना है ना। आगे देखिए, इसमें मैं आपको क्या बताने वाला था, इसमें मैं आपको ये बताने वाला था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि इसमें और एक है ये इसका साथी जो है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है ना, क्यों, देखिए इसका इकाई दहाई दोनों है, इसका मतलब हुआ 1 पैसा, ठीक, लेकिन अभी इसमें बहुत बड़ा छुपा रुस्तम है, इसके बगल में कुछ नहीं है, ये बहुत कुछ छुपाया हुआ है इसके, अभी इसको दहाई में पूरा करोगे तो ये 10 हो गया। अब देखो क्या है, इकाई अंक 0 है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दहाई अंक जो है वो मजबूत होना चाहिए, मतलब समझ रहे ना, अंदरूनी मजबूती होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका क्या है, 1 पैसा है, ये 10 पैसा। तो अब आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाहता था, नीचे आते हैं उसको देख लेना, बिल्कुल क्लास को पूरा देखेंगे तो गारंटी हमारी होगी, बस पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें का मतलब ये हुआ कि पहले समझ लें उसके बाद क्लास को ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये है आपकी डेमो क्लास जो कि आपको 3 से 5 दिन मिलेगी, उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे तो आगे हम आपको सिखाएंगे कक्षा 8 तक इसी तरह से, नहीं करेंगे तो फिर आपकी इच्छा। अब ये 0.003 था हमने लिख लिया पहला, जोड़ने के लिए नीचे ऊपर करके लिखेंगे, देखो ये 4 है, सबसे बड़ी आफत ये है कि इसमें तो दशमलव है, बड़ा तामझाम है, इसमें तो कुछ है नहीं, तो जिसमें तामझाम नहीं है उसको तामझाम बनाना पड़ता है, कहते हैं ना दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको 4 के बाद में पॉइंट लगा करके इसको 0.0 बना लीजिए, चाहे जितनी बार इसको आप कर सकते हो, लीगल है। तो अब डेसिमल को पकड़ के लाके डेसिमल के नीचे लिख दो, इसके बाईं साइड में 4 था इसको लिख दिया, इधर साइड में देखो 0 है ना, कितनी बार था, चाहे जितनी बार लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ना।
जोड़ दो, 3 में 0 जोड़ोगे 3 आएगा, 0 में 0, ये 0 में 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ही आ गया 4। ये था जोड़ने का तरीका जो कि अक्सर लोगों को नहीं आता है। और मैं आपको बता दूं, इंडिया में जितने भी परसेंटेज के स्टूडेंट हैं, चाहे वो टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर पर आर्मी में तैनात है, चाहे वो CRPF में है, पुलिस में है, हमारे पास ऐसा कहना नहीं चाहिए, मैं किसी का नाम नहीं बताने वाला हूं, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी इस प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट जॉब में है, कुछ सरकारी टीचर हैं प्राइमरी स्कूल में, कुछ ऐसे हैं जो आर्मी में है, पुलिस में है और अन्य अच्छे अच्छे स्थानों पर है, लेकिन उनको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं आता है। क्या आपने डिग्री ले लिया तो इसका मतलब आपने सब कुछ थोड़ी सीख लिया? हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है। डिग्री नहीं, जानकारी की महत्व होता है। आगे देखिएगा, बस देखते जाइएगा, कोशिश करेंगे सब कुछ आएगा। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप निसंकोच इस व्हाट्सएप नंबर पर JOIN JLM लिख करके मैसेज करें और क्लास को ज्वाइन करें। अभी आपकी ये पहली डेमो क्लास है, इस तरह से हम आपको और भी बहुत सारी डेमो क्लास दिखाएंगे। और आपको बता दें कि आपको कंप्लीट बेसिक मैथ मिलेगा पूरी गारंटी के साथ मात्र 549 रुपये में। ये जो 549 रुपये आप पे करेंगे, अगर करेंगे तो, नहीं करेंगे तो मैं आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं करें या ना करें। जिनको सीखना है वो कर सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करोगे तो महीना में जो ऑटो बस का किराया लगेगा इससे ज़्यादा लग जाएगा, धूप में जाओगे बारिश में भीगोगे वो अलग बात होगी। तो अगर आप इसको करेंगे तो इसका हम जो है कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं लेंगे इधर उधर। करना क्या होगा इसके लिए, जो आपके आसपास हमारे काम करते हैं, जो लोग आपकी हेल्प करते हैं, जो कैमरे के पीछे हैं और जो और भी बहुत सारे यहाँ पर काम होते हैं चैनल में, उन लोगों का थोड़ा सा कुछ मिल पाएगा तो थोड़ा और उत्साह के साथ काम करेंगे और हम आपके लिए सेवाएँ को बेहतर कर सकेंगे। तो मित्रों, शिक्षा के इस क्षेत्र में इतना योगदान करें, आज के लिए बस इतना ही। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, आप बिना किसी टेंशन के पढ़ सकते हैं, बेफिक्र बिना किए भी उसको पढ़ सकते हैं, उसकी थोड़ी अलग कंडीशन होगी। आप 60% पेमेंट की क्लास को फेसबुक पर बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। इसके लिए PVR स्टडी को फेसबुक पर सर्च करें, PVR स्टडी, और तुरंत पेज को लाइक करें और फॉलो कर दें, वहाँ से आप लाइव भी देख पाओगे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। आपको बता दें, आपको इसी तरह से बहुत सारी क्लास PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर मिलती रहेगी। ज़रूरी नहीं कि आप इसको करें, अगर इसको करेंगे तो आपको बहुत सारी स्पेशल सुविधाएं मिलेंगी, कंप्लीट कोर्स मिलेगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ सिखाया जाएगा। अगर आपको वास्तव में सीखना है, मैथ से कमज़ोर हैं आप, मैथ में आपको डर लगता है, मैथ का सवाल आपको नहीं आता है, तो ज्वाइन कर लीजिए। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें कि बात के आधार पर आप पहले क्लास को देख लीजिए। 4-6 क्लास आपको जो डेमो मिल रही हैं, आपको खुद ही लगेगा कि करना चाहिए। चलते हैं फिर इन्हीं बातों के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास को दोस्तों में शेयर करिएगा, वीडियो को वायरल करके जाइएगा मित्रों, बस यही रिक्वेस्ट है। और हाँ, अगर कोई शिकायत है तो उसे भी बता देना, हमारी कोशिश होगी कि आपकी शिकायत का निपटारा किया जाए।